हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरोही मोटर्स। और मेरा नाम है हीरेंद्र कुमार पटेल। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बोलेरो और स्कॉर्पियो दोनों गाड़ियों में अगर चेक इंजन लाइट आ जाए सामने जो डैशबोर्ड है उनमें, तो हम इसे कैसे सॉल्व या ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्कॉर्पियो और बोलेरो हैं इन दोनों में चेक इंजन लाइट आने का मेन चार कारणों से आता है। पहले आपका वायरिंग फॉल्ट। अगर आपके गाड़ी में कहीं से भी वायरिंग फॉल्ट है तो भी आपके गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने लगता है। तो आपको सबसे पहले आपके गाड़ी का वायरिंग फॉल्ट चेक करा लेना चाहिए। और दूसरा है आपका जो चारों इंजेक्टर के कपलर्स लगे रहते हैं उनमें अगर कार्बन आ जाता है तो भी आपके गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने लगता है। तो उन चारों कपलर्स को निकाल कर पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ कर लें। और तीसरा आपका क्रैंक सेंसर और कैम सेंसर, इन दोनों के कारणों से भी आपके जो गाड़ी है उनमें चेक इंजन लाइट आने लगता है। तो आपको इन दोनों को भी पेट्रोल से अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। और चौथा आपका डीजल फिल्टर। अगर आपके डीजल फिल्टर बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ हो तो भी इसके भी कारण आपके गाड़ी में चेक इंजन लाइट आने लगता है। तो इसको आपको चेंज करा लेना चाहिए। और इन सभी को करने के बाद आपके जो गाड़ी में कंटिन्यू चेक इंजन लाइट आता है वो चला जाएगा।